हेलो स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस वीडियो टुडे वी विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सेकंड चैप्टर 2.2 पॉइंट एंजल्स ऑन द अर्थ सो स्टूडेंट्स आज इस चैप्टर का हम लोग लास्ट दो पैराग्राफ देखेंगे एंजल्स ऑन द अर्थ सो प्लीज़ टर्न विद मी टू पेज नंबर 44 पैरा नंबर 12 पेज नंबर 44 फोर पैरा नंबर ट्वेल्व से आज हम लोग देखेंगे वन चिल्ड्रेन आर फुल्ली ग्रोन दे आर अबाउट ट्वाइस एस टॉल एंड फोर टाइम्स एज हेवी एज देर एट द एज ऑफ टू तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है जब बच्चे पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं तब वे लगभग दो गुना लंबे और चार गुना भारी होते हैं जैसे कि वे दो साल की उम्र में थे दिस ड्रामेटिक चेंज टेक्स प्लेस स्लोली From टू टू अबाउट नाइन ईयर्स ना वाट इज़ ड्रामेटिक ड्रामेटिक क्या होता है वेरी सडन और नोटिसबल काफ़ी जो सडनली और जिसको हम नोटिस कर लेते हैं जब बच्चा बड़ा होता है तो वो नज़र में आ जाता है दिस ड्रामेटिक चेंज टेक्स प्लेस स्लोली from टू टू अबाउट नाइन ईयर्स तो ये जो चेंज जो सडन चेंज या नोटिसबल चेंज जिसको हम कर रहे हैं ये कैसे हो रहा है स्लोली काफ़ी धीरे धीरे हो रहा है फ्राम टू टू अबाउट नाइन ईयर्स यानी दो साल से लेकर के नाइन ईयर्स तक के एज में ये काफ़ी सडन और नोटिसबल चेंज बच्चों में देखा जाता है ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रेन ग्रो फाइव टू एट सेंटीमीटर्स एंड गेन टू टू थ्री किलोग्राम्स ए ईयर ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी इस समय के दौरान चिल्ड्रेन ग्रो फाइव टू एट सेंटीमीटर्स बच्चे में कितनी ग्रोथ देखी जाती है तो वो फाइव से एट सेंटीमीटर तक ग्रोथ बच्चे में देखी जाती है एंड अगर हम वेट की बात करें तो वो वेट गेन करते हैं यानी कि वेट उनमें आती है कितने टू टू थ्री किलोग्राम्स वेट जो है एक साल में बच्चे जो है वो गेन करते हैं आगे है देन आफ्टर द एज ऑफ टेन यानी कि दस साल के बाद चिल्ड्रेन ग्रो फास्टर फॉर सेवरल ईयर्स यानी कि टेन uh, जब उनका एज जो है टेन का हो जाता है तो बच्चे जो हैं काफ़ी फास्ट ग्रो करते हैं दिस ग्रोथ स्पर्ट बिगिनस टू ईयर्स अर्लियर फॉर गर्ल्स दैन फॉर बॉयज़ सो स्टूडेंट्स यू कैन सी द मीनिंग ऑफ स्पर्ट गिवेन डाउन साइड ए सडन इंक्रीज इन स्पीड तो ये जो स्पीड देखी जाती है जो चेंजेस जो देखा जाता है बॉयज़ में अगर हम गर्ल्स की बात करें तो ये जो ग्रोथ का जो स्पीड देखा जाता है वो गर्ल्स में टू ईयर्स अर्लियर स्टार्ट हो जाती है दिस ग्रोथ स्पर्ट बिगिनस टू ईयर्स अर्लियर फॉर गर्ल्स यानी कि गर्ल्स में ये जो ग्रोथ है ये जो स्पीड है वो दो साल पहले होती है अगर हम बॉयज़ की कंपेरिजन uh, में हम देखें तो बॉयज़ का थोड़ा लेट होता है और गर्ल्स का जो ग्रोथ है वो दो साल पहले स्टार्ट हो जाती है तो स्टूडेंट्स अगर हम इस पैराग्राफ uh, को अगर समराइज़ करें तो हमने इस पैरा नंबर ट्वेल्व में देखा कि जब बच्चे पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं तब वे लगभग दो गुना लंबे और चार गुना भारी होते हैं जैसे कि वे दो साल की उम्र में थे और ये जो ड्रामेटिक चेंज होता है वो काफ़ी स्लोली होता है और ये कब होता है फ्रॉम टू टू नाइन ईयर्स होता है नेक्स्ट हमने देखा कि इस पीरियड में बच्चे का जो हाइट है वो कितने सेंटीमीटर्स ग्रोथ होते हैं फ़ाइव टू एट सेंटीमीटर्स बढ़ते हैं एंड वेट गेन उनमें कितना होते हैं पर ईयर टू टू थ्री किलोग्राम्स वेट गेन होते हैं पर ईयर एंड आगे हमने देखा कि आफ्टर द एज ऑफ टेन यानी कि दस साल के बाद चिल्ड्रेन का जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होता है एंड लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि दिस ग्रोथ स्पर्ट बिगिंस टू ईयर्स अर्लियर और ये सब जो ग्रोथ हमने यहाँ पे पढ़ा वो सभी ग्रोथ गर्ल्स में दो साल पहले देखा जाता है इन कंपेरिजन टू बॉयज नाउ वी विल सी पैरा नंबर थर्टीन अब हम लोग देखेंगे कि पैरा नंबर थर्टीन में क्या है इन मोस्ट ह्यूमन फैमिलीज चिल्ड्रेन आर लव्ड एंड वेल केयर्ड फॉर तो स्टूडेंट्स अक्सर ये देखा जाता है कि जितने भी फैमिलीज हैं उसमें जो माता पिता हैं या या चाहे तो वो जॉइंट फैमिली हो या न्यूक्लियर फैमिली हो उसमें बच्चे को काफ़ी प्रेम मिलता है लोग जो है बच्चे को काफ़ी पसंद करते हैं उनको केयर करते हैं तो अक्सर ये हर फैमिली में होता है तो इन मोस्ट ह्यूमन फैमिलीज़ चिल्ड्रेन आर लव्ड बच्चे को माता पिता काफ़ी प्रेम करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं एंड वेल केयर्ड फॉर उनकी हर जरूरतों को पूरा किया जाता है और उनको माता पिता जो है काफ़ी केयर भी करते हैं बट समाइम्स कभी कभी क्या होता है दे आर वेरी बैडली ट्रीटेड बाई अडल्ट कभी कभी क्या होता है ये देखा जाता है कि अडल्ट के द्वारा यानी कि जो बड़े लोग होते हैं फैमिली में उनके द्वारा बच्चों को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है उन्हें फर्दर है मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन चिल्ड्रन आर माल ट्रीटेड बाई देयर ओन पेरेंट्स और अडोप्टिव पेरेंट्स बट समटाइम्स दे आर वेरी बैडली ट्रीटेड बाई अडल्ट हमने देखा कि कभी कभी uh, कुछ जो फैमिलीज uh, में हैं अडल्ट के द्वारा उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है फर्दर यह बताया गया है मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम जब ये सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कहाँ पर खड़ी होती है वेन चिल्ड्रेन आर माल ट्रीटेड माल ट्रीटेड यू कैन सी द मीनिंग गिवन ईयर टू बी वेरी क्रूअल टू समन जब हम किसी के प्रति जब कोई दया नहीं दिखाते हैं काफ़ी uh, क्रूर व्यवहार करते हैं उसको कहा जाता है माल ट्रीटेड बाय देयर ओन पेरेंट्स यानी कि उनके खुद के माता पिता कभी कभी क्या करते हैं बच्चों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करते हैं उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारते हैं पीटते हैं डांटते हैं यानी बच्चे के प्रति थोड़ा भी प्रेम या स्नेह नहीं दिखाते हैं या कभी कभी क्या होता है ऑडोप्टिव पेरेंट्स ऑडोप्टिव पेरेंट्स आई होप यू नो द मीनिंग अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ अडॉप्टिव का मीनिंग होता है हैविंग लीगली टेकन अ चाइल्ड टू लिव विद दैम एस पार्ट ऑफ देयर फैमिली तो कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स uh, क्या करते हैं बच्चे को अडोप्ट करते हैं लीगली अडोप्ट करते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं तो कभी कभी ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स उस uh, बच्चे को अडोप्ट करते हैं वो या खुद के माता पिता uh, अपने बच्चों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करते हैं इन सच केसेस द अब्यूज में नॉट कम टू द नोटिस ऑफ पीपल आउटसाइड द होम अंटिल इट इज़ टू लेट ओके इन इन सच केसेस इस केसेस में जो अब्यूज़ जो है अब्यूज़ अनफेयर और क्रिअल ट्रीटमेंट ऑफ समवन जैसा कि मैंने आपको बताया उनके साथ काफ़ी अनफेयर ट्रीटमेंट होता है का, काफ़ी बुरा व्यवहार होता है तो ये सब जो आ, बुरा ट्रीटमेंट है मे नॉट कम टू द नोटिस ऑफ पीपल आउटसाइड जो लोग बाहर रहते हैं या जो पड़ोस में रहते हैं या जो रिलेशन में है ये सब लाइट में नहीं आता है और जब आता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है ये सब चीज़ काफ़ी जल्दी लाइट में नहीं आता है चिल्ड्रेन कम टू बिलीव दैट दे आर कंटिन्यू कंटिन्यूली पनिस्ड बिकॉज दे आर रियली बैड चिल्ड्रेन कम टू बिलीव दैट दे आर कंटिन्यूली पनिस्ड उन्हें ये विश्वास होने लगता है कि हमें कंटिन्यूली क्यों पनिश किया जा रहा है क्योंकि हम सही में बुरे हैं ओके okay, वो ऐसा मानने लगते हैं वे ऐसा विश्वास करने लगते हैं बच्चे कि शायद हम बहुत बुरे हैं इसलिए मुझे ऐसा बार बार रोज पनिशमेंट या जो बुरा ट्रीटमेंट है वो मुझे मिल रहा है दे डेवलप एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो क्या डेवलप कर लेते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है द स्टेट ऑफ फीलिंग लेस इम्पॉर्टेंट क्लेवर सक्सेसफुल एक्सेट्रा देन अदर पीपल। जब हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि हम आ, उतना क्लेवर नहीं है हम चालाक नहीं है हम सक्सेसफुल इंसान नहीं है दूसरों की तुलना में ठीक है ना? अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपने आप को हीन समझना उसको हम कहते हैं इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो उनके अंदर बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो जाती है एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाती है विच रिटार्ड देअर फिजिकल एज वेल एज मैंटल डेवलपमेंट तो उससे क्या होता है रिटार्ड्स रिटार्ड्स का मीनिंग होता है टू मेक द डेवलपमेंट स्लोअर यानी कि हम कहते हैं ना डिले हो जाना टू डिले समथिंग और मेक इट्स डेवलपमेंट और प्रोग्रेस स्लोअर जब उनका जो प्रोग्रेस जो होना चाहिए वो उस स्पीड में प्रोग्रेस नहीं होता है उनका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो जाता है उसको हम कहते हैं रिटार्ड्स तो जब उनके अंदर इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है तो उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए जिस स्पीड में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल डेवलपमेंट हो उसमें काफ़ी वो स्लो हो जाता है फर्दर है यहाँ पे पेज नंबर फोर्टी फाइव में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम क्रूअल ट्रीटमेंट मोस्ट गवर्नमेंट्स हैव पास लॉस अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़ तो इस चीज़ों को बचाने के लिए इस चीज़ों को रोकने के लिए बच्चों को अब्यूज़ से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं ओके okay, इस क्रूअल ट्रीटमेंट्स उन्हें बचाने के लिए मोस्ट गवर्नमेंट्स है पास लॉस यानी कि गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे कानून भी बनाए हैं अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़ यानी कि बच्चे को अगर आ, कोई अब्यूज़ कर रहा है उन्हें उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है उनके साथ आ, अगर अच्छे से आ, जैसे पेश आना चाहिए अगर वैसे वो नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए लॉ है हम कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं आगे है दो फाउंड गिल्टी कैन बी फाइंड और जेल अगर कानून किसी को गिल्टी पाता है कि वो इंसान सही में गिली है तो उसे फाइन किया जा सकता है या उसे जेल भी हो सकती है यूजली हाउ एवर अटेम्प आर मेड टू रिफॉर्म द पेरेंट और पेरेंट्स एंड टू क्रिएट ए हेल्दी इन्वामेंट इन द होम लेकिन ये देखा जाता है कि कोशिश ये किया जाता है कि वैसे माता पिता को या जो लोग वैसे आ, उनका जो मेंटली जो फिट सेट uh, है उन उनको uh, थोड़ा चेंज करने की कोशिश किया जाता है यहाँ पे अटेम्प आर मेड टू रिफॉर्म रिफॉर्म इज मेक चेंज इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट उनको uh, कहीं ना कहीं भेज करके गवर्नमेंट uh, जो है कुछ uh, ऐसा uh, बनाती है या कुछ कंडक्ट कराती है ताकि जो uh, माता पिता का जो मेंटली uh, जो माइंड सेटअप होता है उसको वो क्या करें चेंज करें और जो रियल चीज़ है उस चीज़ों को पहचानें और उनके साथ अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करें यानी कि एक तरफ हम कह सकते हैं उनको काउंसलिंग किया जाता है या एडवाइस दिया जाता है जो पेरेंट्स हैं या गार्डियंस हैं कि ताकि वो अपने घर में एक काफ़ी हेल्दी इन्वायमेंट को बना करके रख सके तो ऐसा गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कदम उठा रही है और लेती भी है इफ़ नेसेसरी अब्यूज चिल्ड्रेन आर टेकन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड प्लेस्ड इन द केयर ऑफ ए इन ए चिल्ड्रेंस होम अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है इफ़ नेसेसरी अब्यूज चिल्ड्रेन जिनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है उनको अपने फैमिली से काफ़ी दूर ले जा कर के जो चिल्ड्रेंस होम होता है जहाँ पे बच्चे कह सकते हैं एक ऑर्फनेज टाइप का मीन्स चिल्ड्रेंस होम ऑर्फनेज नहीं है यानी कि वहाँ पे बच्चों को रखा जाता है जिनके माता पिता उसके लिए ध्यान नहीं देते हैं केयर नहीं करते हैं तो उन बच्चे को वहाँ पे रखा जाता है जैसे ऑर्फनेज में है तो वहाँ पे क्या होता है बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको वहाँ रखा जाता है तो ये अलग अलग ऐसा जगह है जहाँ पे जिसके पेरेंट्स प्रॉपरली उन्हें केयर नहीं करते हैं उनका देखने वाला कोई नहीं है तो उनको चिल्ड्रेंस होम में ले जा के वहाँ पर रखा जाता है और जो है गवर्नमेंट जो है उसकी जो खर्च है वो गवर्नमेंट उठाती है और उनको वहाँ पर जो प्यार और जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और जो चीज़ उन्हें सीखना चाहिए बचपन में वो सब चीज़ वो वहाँ पे सीखते हैं तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेसन लेसन नंबर टू पॉइंट टू एंजल्स ऑन द अर्थ सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश हो गया इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज पार्ट गिवन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर सो जस्ट गो थ्रू दिस लेसन रीड इट अगेन सो दैट यू विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.